नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी हुए थे, उसको लेकर के नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे और आज की न्यूज जो है उसकी भी बात करेंगे। चलिए पहले न्यूज की बात कर लेते हैं। 33 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे तीसरे चरण की परीक्षा। एडमिट कार्ड पर बार कोड से अभ्यर्थियों की पहचान जो है वो होगी। मुजफ्फरपुर से जो है वो न्यूज है जिसमें बताया गया एडमिट कार्ड पर दिए गए बार कोड से अभ्यर्थियों की पहचान होगी। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के मंगलवार को डीएम ने इसको लेकर के बैठक की है। एमआईटी में पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो परीक्षा है उसकी तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। 15 मार्च को परीक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिले में 33 केंद्रों पर परीक्षा होगी, इसमें लगभग 25,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। परीक्षा से 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश ये भी दिया गया है कि ई एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति आपको लेकर के आनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट आपका यही है कि आपको एक एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा प्रति आपको ये जो है वो लेकर के जानी है। आगे परीक्षा केंद्र में मौजूद वीक्षक इस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लेकर के क्या करेंगे, केंद्र अधीक्षक के पास जमा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रवेश के समय स्कैनिंग ओएमआर सीट के बाद अन्य जांच भी जो है आपकी होगी। परीक्षा में फर्जीवाड़े नहीं हो, जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा है वही परीक्षा दे रहा है, ये जानने के लिए 2 स्तर पर जो है वो जांच होगी। ये जांच रियल टाइम रिपोर्टिंग के आधार पर होगी। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड के बारकोड की स्कैनिंग के साथ ही ओएमआर सीट वितरण के बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन समेत एक बार फिर से एडमिट कार्ड की स्कैनिंग की और अन्य जाँच जो है आपकी होगी। जाँच कर्मी को 2.5 घंटे पहले निश्चित रूप से उपस्थित होकर के प्रवेश द्वार पर से बारकोड स्कैनिंग करते हुए फोटो के साथ भौतिक उपस्थिति जांच जो वो करनी है, तो ये आपको देखने को इसमें मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो 15 मार्च को आयोजित परीक्षा है और डीएम ने इसको लेकर बैठक की। अब ये नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं जो जारी हुआ था। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ है 7/3/2024 से। दिनांक 15/3/2024 को आयोजित होने वाली 1 से 5, 6 से 8 परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी 12/3/2024 से उपलब्ध है, जिसे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति यहां पर भी वही बताया गया है कि आप ले जाएंगे, परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करें और परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1 घंटा पूर्व जो प्रवेश है वो आपका बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर सीट जो है उसको सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष जो है आप छोड़ेंगे। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।